हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर सिक्स है पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस चैप्टर को हमने लास्ट क्लास में पेज 136 तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए पेज 137 से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, अब आपके पास नया कंसेप्ट आ गया एक एरिया का। पेरीमीटर का पूरा कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो एरिया क्या होता है पहले एक बार समझते हैं क्या होता है, उसके बाद रीड करेंगे क्या दे रखा है। जैसे आपको एक ही फिगर दे रखी है, तो बाउंड्री आपको पता था, ये बाउंड्री इसको हम पेरीमीटर बोलते थे बाहर बाहर को। एरिया होता है अंदर का, इसको बोलते हैं अंदर का। जितना भी ये एनक्लोज्ड है, ये पूरा जितना ये कवर कर रखा है, किसी का भी ले सकते हो ट्रायंगल के, ये अंदर का। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है, वी हैव स्टडीड द एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर रेगुलर एंड इरेगुलर इन प्रीवियस ग्रेड। पिछली क्लासेज में आपने रेगुलर और इरेगुलर फिगर्स का एरिया जाना होगा। रेगुलर फिगर्स वो होती हैं जिनकी सारी साइड सेम होती हैं, जैसे स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हेप्टागन, हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर हेक्सागन। इरेगुलर फिगर्स वो होती हैं जिनकी साइड सेम नहीं होती, जैसे क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, कैलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हो वो। तो पिछली क्लास में आप इनका एरिया अच्छे से सीख के आए हो। चलो अब कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिकॉल करते हैं। द अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर, कोई भी एक बंद फिगर जितना भी रीजन लेती है, जितना भी वो एरिया वहाँ कवर्ड कर रही होती है रीजन को, उसको हम बोलते हैं एरिया। इन प्रीवियस ग्रेड वी अराइव्ड एट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर यूजिंग अ स्क्वायर ग्रिड पेपर। पिछली क्लासेस में आपने स्क्वायर ग्रिड पेपर की हेल्प से एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना सीखा था, है ना। तो अगर आपको वो नहीं भी याद है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान इसके फॉर्मूले होते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड इंटू साइड, किसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो इसका एरिया होता है एल इंटू बी। ठीक है, अब कह रहे लेट सी सम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस आइडिया। आपको यहाँ पर ही कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, देखते हैं कितने हैं। टोटल दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, दोनों आज की क्लास में कवर कर लेते हैं। कह रहे अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है जो 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है, रेक्टेंगल शेप का है, पता चल रहा है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। इस फ्लोर पे मैंने एक स्क्वायर कारपेट बिछाया जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो कितना एरिया रह गया फ्लोर का जिस पर कारपेट नहीं बिछा, वो बताना है। तो सबसे पहली बात, एरिया था कितना उस फ्लोर का। तो अगर मैं एरिया फ्लोर निकालूँ तो वो हो जाएगा एल इन टू बी, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप का है। तो 5 × 4 20 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये एरिया के यूनिट है मीटर स्क्वायर। स्क्वायर ज़रूर लगेगा जो भी यूनिट आपको दे रखी हो उसमें, एरिया के केस में। पेरीमीटर में कुछ नहीं लगता, सिर्फ यूनिट लगती है। ठीक है, अब अगर मैं एरिया ऑफ कारपेट देखूँ कितना है यहाँ पर, वो भी तो पता होना चाहिए। तो कह रहे थे स्क्वायर कारपेट है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा साइड इंटू साइड का, मतलब 3 × 3 9 मीटर स्क्वायर। तो फ्लोर तो इतना है 20 मीटर स्क्वायर फ्लोर का एरिया, पर कारपेट का एरिया 9 ही है, तो बाकी का फिर तो वो जो फ्लोर बच जाएगा उसमें तो कारपेट बिछेगा ही नहीं ना, वही चीज़ निकालनी थी। फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, तो आ जाएगा 20 - 9 इज इक्वल्स टू 11 मीटर स्क्वायर। तो 11 मीटर स्क्वायर वो फ्लोर है जिसपे कारपेट नहीं बिछा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। कह रहे 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर इन अ 4 कॉर्नर ऑन अ पीस ऑफ लैंड 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। कह रहे एक 4 साइड का कॉर्नर है, ठीक है, ये 12 मीटर और 10 मीटर आपको गिवन है इसकी डायमेंशन। इसके चारों कॉर्नर्स पे ना ऐसे स्क्वायर बेड्स लगे हुए हैं जिसकी साइड मुझे 4 गिवन है। कह रहे जो ये रिमेनिंग पोर्शन बचा है ना, ये इसका एरिया बताओ। तो सबसे पहली बात, एरिया ऑफ लैंड, जो पूरा लैंड है इसका एरिया है कितना, एल इन टू बी, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का है, तो इसका मतलब 120 मीटर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बेड निकाल लो, एक का निकाल लेती हूँ, 4 से इंटू कर दूंगी, बात तो वही है ना। तो एक का कैसे निकलेगा, स्क्वायर शेप का है, तो साइड इंटू साइड होगा फॉर्मूला। तो 4 × 4
स्क्वायर जरूर लगा देना यूनिट में। अब यहाँ पर मैंने फोर का निकाल लिया, एरिया ऑफ फोर स्क्वायर बेड्स, तो 20 × 4 100 मीटर स्क्वायर। तो लैंड का एरिया इतना था, उसमें स्क्वायर बेड्स का एरिया इतना है, तो बाकी का एरिया बचा हुआ वही होगा जो अभी मैंने शेड किया है। तो यहाँ लिख देते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड 120 − 100, इसका मतलब 20 मीटर स्क्वायर लैंड जो है वो आपका बच गया है जिस पे वो स्क्वायर बेड्स नहीं है। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन देख लो यहाँ पर। अच्छा सॉल्यूशन अलग आ रहा है, अच्छा अच्छा हमने यहाँ एक मिस्टेक कर दी, 4 × 4 हमने 20 लिख दिया, 4 × 4 जाए तो 16 होता है ना, तो यहाँ पर भी अब 16 आ जाएगा, है ना, हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी। तो 4 × 6 = 24, 64 आ गया। ठीक है ना, अब आप रिमेनिंग निकालोगे तो क्या करोगे, 120 में से आप 64 को माइनस करोगे, 100 को नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास टोटल तो आपके पास 100 था ना, सॉरी 120 था ना, इसलिए तो आप 120 में से क्या करो, बस 64 को माइनस कर दो, 56 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर आप इसे ठीक कर लेना। चलिए अब आगे फिर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट क्लास में, ये टोटल 4 to 5 हैं शायद, हाँ 4 क्वेश्चन है इस वाले फिगर इट आउट में, 4 के 4 एक साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको बताइए चैप्टर 3 चैप्टर 7 भी अपलोड हो रहे हैं चैनल पे, आप उसे भी साथ साथ कवर कर सकते हैं। थैंक यू।